और अब खबर बेंगलुरु से, जहां पर लोग परेशान हैं कूड़ा करकट, ट्रैफिक जाम और शहर की सड़कों से, जहां सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे में परेशान हाल लोगों को इससे छुटकारा दिलाने के मकसद से एक कलाकार ने अनोखी तरकीब सोची और इससे प्रशासन और सरकार दोनों का ध्यान सड़कों के गड्ढों पर पड़ सके। बेंगलुरु की सड़कों पर दिख रहे ये बड़े बड़े गड्ढे और इन गड्ढों पर बनी ये पेंटिंग इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सड़क को अपना कैनवास बनाने वाले ये कलाकार हैं बादल। अपनी कला और कल्पना के जरिए एक कलाकार ने सोए हुए प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। Actually, I fell down once, so I just wanted to highlight that. Then I started. बेंगलुरु में खराब सड़कों और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जनता पस्त है, ना तो सरकार सुनती है और ना ही प्रशासन। ऐसे में कभी बीच सड़क पर तैरता मगरमच्छ तो कभी राक्षस की शक्ल बनाकर बादल ने ना सिर्फ लोगों का ध्यान इन गड्ढों की तरफ खींचा बल्कि प्रशासन पर अपनी छाप भी छोड़ी है। Especially media, it helps me actually every time. They highlight the issue and they will fix it actually. बादल ने ये तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। अब तो मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर उनके इस काम की तारीफ की है। Yeah, my artwork is like recognized by I think it's because of the recently some Bombay pothole issues happened, no? So बादल की इस मुहिम ने लोकल अथॉरिटीज को मजबूर कर दिया, जिसके बाद बेंगलुरु नगर निगम ने अपनी किरकिरी होता देख अब सड़कों के गड्ढे भरने शुरू कर दिए हैं। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।